फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुर्ती का फ्रंट साइड का जो नेक है, इसकी गले की डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो जब भी हम कैनवस पेपर पे कटिंग करते हैं, तो उससे पहले हमें पेपर पे कटिंग करनी पड़ती है, फिर हम कैनवस पेपर पे कटिंग करते हैं, फिर हम कपड़े के ऊपर इसको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पेपर लिया है। तो हम फ्रंट साइड का जो नेक है उसकी पहले कटिंग करेंगे। जैसे पेपर को हमने इस तरह से फोल्ड किया है, डबल पेपर लिया है। डबल पेपर लेने के बाद पहले हम गले की लंबाई लेते हैं। तो गले की लंबाई है हमारी, जैसे 7.5 इंच तैयार है, तो हमें 8 इंच लेना है। जब भी आप कुर्ती की गले की कटिंग करोगे, तो इसमें आपको आधा इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई ली 8 इंच, लंबाई ली 8 इंच। तो यहाँ पे हमारी चौड़ाई है गले की 3 इंच, यहाँ पे भी हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। इस तरह से हमें इसे मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें गले का शेप देना है। जब फ्रंट साइड का गला होता है, तो ये बाहर के साइड में हम गले का शेप नहीं देते, इसको बीच में ही हमें गले का शेप देना है। तो यहाँ पे हम बेसिक जो गले होते हैं, जैसे जब नए नए लोग सिलाई करते हैं, तो उनको जैसे डिज़ाइन वाला गला हो तो वो बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा गला मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से हमें 5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं, या हम इसको इस तरह से क्रॉस में एक सीधी लाइन खींचेंगे। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी कट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप देके इस तरह से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें बाहर के साइड से इसकी कटिंग करनी है। तो पहले हम ऊपर के साइड से कट करेंगे। यहाँ पे हमें ये बाहर के साइड से पहले कट करनी है। फिर ये गले का शेप जो दिया है उसे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये बेसिक जो गला है वो आपको कट करके दिखाया है। आप छोटे के लिए, छोटे बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी आप ये गला बना सकते हैं। तो ये भी सिंपल गला, जैसे बेसिक जो गले होते हैं इसमें ये गला आ जाता है जैसे, तो वो नए नए सिलने वाले होते हैं उनको ये गला अच्छे से तैयार करना आता है। तो पहले आप सिंपल से गले को तैयार करेंगे, तो फिर डिज़ाइन वाले गले भी आपको सिलना आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिंपल बेसिक गला कट करके दिखाए हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।